हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे। भाई वीडियो का टाला भाई दासू लेके आया स्पेशली बाइक लवर के लिए। बाइक लवर जो है ना, बाइक हैरान हो जाके जो आपको हम प्राइस देने वाले हैं, टॉप 10 बाइक अंडर 1.5 लाख इन इंडिया 2024 के। भाई टॉप 10 बाइक की बात करेंगे, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे पाकिस्तान में। भाई एक चीज क्या, 1.5 लाख में आपको वही होंडा ही मिलेगी, 70 होंडा 70 आपको गाइस। तो अगर मैं चैनल पे न्यू है तो आप सभी कहते हैं मैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, छोटी हिस्सा बन जाए, टाइम वेस्ट नहीं करते यार, करोड़ों चार्ट करते हैं। थैंक यू वन एंड स्टार्ट। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी? आई होप कि सारे बंदे मजे में होंगे। स्वागत करता है आप सभी स्पेशल लोगों को क्रेजी स्पेशल वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग का बजट 1.5 लाख रुपए है तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए। बहुत सारे बंदे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी बाइक लूं या ना लूं, इसलिए आज का इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं टॉप 10 स्पोर्ट बाइक जिसका माइलेज ज्यादा है। इस पर पहली वाला जो बाइक है उसका नाम है यामाहा MZ-V, और इसका एक्सट्रीम प्राइस के बारे में बात करें तो 1,60,200 रुपीज है, और इस प्राइस में ऐसी बाइक मिलना मुश्किल है। दोस्तों इस बाइक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज गेन कर लेता है, और हाईवे में 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज दे देता है, और इसमें 149cc का एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, और यहाँ पर ना 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है, और यहाँ पर 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है, और इसका वेट के बारे में बात करें तो 135 kg है, और इस वेट के साथ 150cc का इस बाइक काफी हल्का हो जाता है। बाकी दोस्तों इस बाइक का लुक काफी अच्छा लगा मेरे को। इंडियन मार्केट में तो सिर्फ ये बाइक दो ही कलर अवेलेबल है, एक है मेटालिक ब्लैक और दूसरी है रेसिंग ब्लू। है नंबर वन वाला बाइक आप लोगों को कैसी लगा कमेंट करके बताओ। अभी सेकंड वाला जो बाइक है उसका नाम है हीरो XT160R4, और इस बाइक का लुक के साथ साथ काफी अच्छा फीचर्स और अपडेट दिया गया है, लाइक गोल्डन फॉक्स की तरह देखने को मिलता है। यार बाइक का लुक काफी अच्छा हो गया है। और बात करें तो इस बाइक का प्राइस के बारे में, इस बाइक का एक्सोरूम प्राइस है 1,36,000, और यहाँ पर पावरफुल इंजन दिया गया है जो कि है 163cc और एयर एंड ऑयल कूल इंजन, और ये जो इंजन है 16.9 bhp के पावर प्रोड्यूस करता है, और आपकी इस बाइक से 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। बाकी इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास दे देता है, और सिटी में 120 किलोमीटर के आसपास टॉप स्पीड देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये वाला बाइक इंडिया मार्केट में काफी सारा कलर में अवेलेबल है, और इस बाइक का मेरे को मैट ब्लैक कलर ही अच्छा लगा। यार बात करें नंबर 3 वाला बाइक के बारे में, वो है ऑनली यामाहा MZ-S Version 4, और इसका एक्सट्रीम प्राइस है 1,29,400 रुपीज के आसपास। बाकी दोस्तों ये वाला बाइक इंडियन मार्केट में 3 कलर में देखने को मिलता है, और इस बार काफी फीचर्स दिया गया। बाकी दोस्तों ये ना MT-15 कॉन्सोल के तरह देखने को मिलता है। इसके अलावा इस बाइक में LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, और लुक्स भी बहुत अच्छा है। तो भाई आपको पता ही होंगे यामाहा सीरीज का जितनी भी बाइक है सभी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, और साथ ही साथ काफी अच्छा माइलेज भी दे देता है। बात करते नंबर 4 वाला बाइक के बारे में, वो है ऑल न्यू TVS Apache ITR 164V, और ये मॉडल मेरे को सबसे अच्छा लगा। और इसका अपग्रेड के बारे में बात करें तो काफी सारा अपग्रेड दिया गया, लाइक डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, और एक कलर लॉन्च किया है वो है ब्लू कलर, जो कि देखने को काफी अच्छा लगता है। बाकी बात करें इस बाइक का एक्सट्रीम प्राइस के बारे में, वो है 1,23,000 इंडियन मार्केट में 4 कलर में देखने को मिलता है, और आपको इस बाइक में 159 का सीसी एंड ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 17.6 bhp, और यहाँ पर दोस्तों आपको इस बाइक से 14.14 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है। बाकी इस बाइक में 3 तरह का मूड दिया गया है, और ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलता है। 1.5 लाख की बजट में ये वाला बाइक मेरे को सबसे बेस्ट लगा। बाकी एक बार शोरूम पे जाके चेक कर ले। अभी नंबर 5 पे जो बाइक है उसका नाम है सुजुकी जिक्सर 150, और भाई इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,34,800 रुपीज के आसपास, और इस बाइक का लुक काफी अच्छा बनाया गया है। बाकी बात करें इस बाइक का इंजन के बारे में, तो इस बाइक में 150cc एंड एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, और ये जो इंजन है 13.6 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर आपको इस बाइक से 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। बाकी इस बाइक में 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है, और ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में 3 कलर में देखने को मिलता है। अभी बात करें नंबर 6 वाला बाइक के बारे में, वो है होंडा SP160, और ये वाला बाइक जो है हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,21,900 रुपीज के आसपास, और इस बाइक में हमें 162.7 cc एंड एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, और ये जो इंजन है वो 13.3 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, और आपको इस बाइक से 14.58 न्यूटन मीटर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है, और इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है, और ये वाला बाइक इंडियन मार्केट में 6 अलग अलग कलर में अवेलेबल है। यहाँ पर ना इस बाइक में काफी फीचर्स दिया गया है, लाइक डिजिटल कंसोल, सिंगल चैनल ABS, और भी काफी सारा फीचर्स बाइक के अंदर है। बाकी ये वाला बाइक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अभी नंबर 7 पर जो बाइक है उसका नाम है बजाज पल्सर N150, ये वाला बाइक भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसका एक्सोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो इसका एक्सोरूम प्राइस है 1,18,000 रुपीज के आसपास, और ये वाला बाइक दो ही कलर में अवेलेबल है, एक है ब्लैक और दूसरा है व्हाइट। बाकी दोस्तों बात करें इंजन के बारे में, तो इस बाइक में 149cc और एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 14.5 bhp के
पावर और आपको इस बाइक से 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क स्पीड देखने को मिलता है। इसके अलावा 5 फीट गियरबॉक्स दिया गया है। बाकी दोस्तों बात करें नंबर 8 वाला बाइक के बारे में, वो है बजाज पल्सर 150 और इस बाइक का डिजाइन काफी पुराना है, लगभग काफी सालों से बजाज का इस मॉडल को कंटिन्यू कर रहा है। बात करें इसका शोरूम प्राइस के बारे में तो 110,000 रुपीज के आसपास है और ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में 3 कलर में देखने को मिलता है। बात करें इस बाइक का इंजन के बारे में तो 149 सीसी और एयर कूल इंजन है और ये जो इंजन है प्रोड्यूस करता है 14 पीएच का मैक्सिमम पावर। आपको इस बाइक से 13.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क स्पीड देखने को मिलता है। यार अभी बात करें नंबर 9 वाले बाइक के बारे में तो वो है टीवीएस अपाची आईटीआर 180 और इस बाइक का शोरूम प्राइस है 132,000 रुपीज के आसपास। इस बाइक में काफी फीचर्स दिया गया है लाइक डिजिटल कंसोल विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सिंगल चैनल एबीएस और भी काफी सारा फीचर्स दिया गया है। बात करें इस बाइक का इंजन के बारे में तो 170.7 सीसी एंड एयर कूल इंजन देखने को मिलता है और ये जो इंजन प्रोड्यूस करता है 70 पॉइंट की मैक्सिमम पावर और आपको इस बाइक से 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क स्पीड देखने को मिलता है। इसके अलावा बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है और इंडियन मार्केट में ये वाला बाइक दो ही कलर में अवेलेबल है। बात करें अभी नंबर 1 वाला बाइक के बारे में तो वो है कावासाकी W175 और इस बाइक का शोरूम प्राइस हो चुका है लगभग 135,000 रुपीज के आसपास और इस बाइक में 177 सीसी सिंगल सेंटर फोर्स एयर कूल इंजन देखने को मिलता है और ये जो इंजन है 13 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और आपको इस बाइक से 13.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क स्पीड देखने को मिलता है और इस बाइक में काफी सारा फीचर्स भी दिया गया है। अभी 10 में से आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है कमेंट करते हैं। भाई जो हमने वीडियो वॉच करके देखा है कि काफी टॉप लग्जरी बाइक्स हम कहेंगे यूनिक बाइक जो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। पाकिस्तान से गाइस हम बहुत इंडिया से हम बहुत पीछे हैं बट पाकिस्तान भी के पास जो बाइक है होंडा ही है और उसके अलावा कोई बाइक नहीं है बस 770 है। बट जो मैंने बात की भाई बाइक्स देखी हैं जिस तरह के बहुत ऑसम थी, चीप प्राइस में मेरी तरफ से तो बहुत चीप प्राइस थी और बहुत अगर पाकिस्तान में होती 3-4 लाख 6 लाख की बाइक मिलती जिस तरह की आप देखिए होंडा चेक की है, सुजुकी चेक की है, मराठी चेक की है। हमारे पास जो यहाँ पे होंडा 125 है वो 2,50,000 की बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है। अगर मेरे की बात है वहाँ पर जो कंपनीज वगैरह हैं वहाँ बाइक्स डेवलप होती हैं, मेक होती हैं, बना के लोग सप्लाई करते हैं बट हमारे पास ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। हमारे खुद बाइक चाइना से आती है गाइस, हम आप खुद नजर लगाएं व्यूअर्स कि हमारे खुद बाइक चाइना से आती है, हम खुद मंगवाते हैं। तो आप ये सोचेंगे वहाँ पर कुछ बाइक वही है हमारे पास बनाने की जगह ही नहीं है ना बना सकते हैं, चला गया गाइस बहुत ज्यादा तो मुझे कॉमर्स से बताया क्या पाकिस्तान में तरक्की कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपने मुझे लवली कॉमर्स से बताया, आई होप मतलब बैठ कर आपने जरूर इंजॉय किया होगा। मैं चैनल पे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एक हमारी छोटी यूट्यूब फैमिली के हिसाब बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।